हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स पर। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये सब क्या है। तो ये ना टेंट का सामान है जो कि बरसी वाले दिन जो है लगेगा। तो भैया ना एक दिन पहले लेकर आ गए थे लगाने के लिए, बट शैंकी ने कहा कि मतलब ये कोई खुशी का काम नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा था लगवाना बिल्कुल भी। बट जिस दिन बरसी है उस दिन वो सुबह लगा देंगे ये टेंट वगैरह। तो साइड में वो सारा सामान रख कर चले गए हैं। और ये अंदर हमारा जो आंगन है, कवर्ड है आंगन, फिलहाल तो बरामदा बोल सकते हो आप। तो वहाँ पर जो है ये हलवाई वाले भैया अपना सामान रख गए। इन्होंने भी अपना जो है थोड़ा सा काम हल्का किया, पहले ही सामान ला कर रख दिया। और बारदाना बोलते हैं इसको, सारे बर्तन वर्तन को बारदाना बोलते हैं। भैया भी यही जो है बोल रहे थे। वैसे आप कुछ भी बोल सकते हो, भट्टी, कढ़ाई, भगोने, कुछ भी बोल सकते हो। तो वो भी अपना रख कर चले गए हैं। और ये राशन है जो कि मार्केट से हम आप लोगों के सामने लेकर आए थे, कल के ब्लॉग में मैंने शेयर किया था। थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है। और ये डिस्पोजल के स्पून नहीं थे बस, बाकी का पूरा डिस्पोजल हमारे पास ऑलरेडी पहले से लगा हुआ रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं तो जितना रखा हुआ है उतना ही इनफ है। और ये थोड़ा सा दान का सामान है, थोड़ा सा पूजा का सामान है, और भी बहुत सारा सामान है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे आता रहेगा। मैं चाह रही हूँ कि एक बार सारा सामान आ जाए कंप्लीट, फिर मैं उसके बाद दिखाऊँ। मम्मी कर रही थी किचन में काम, मैंने सोचा कि चलो हम मेहमान आने वाले हैं तो थोड़ा सा कमरा वमरा सेट कर लेते हैं, बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ। तो नीचे ना गरम बेडशीट बिछा रखी थी मम्मी ने, तो मैं बिछा रही हूँ कॉटन की, तो थोड़ा सा गर्माहट रहेगी इसलिए मैंने वो वाली बेडशीट नहीं उतारी है। और नई बेडशीट जब कोई आता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा घर साफ़ सुथरा लगता है। और मतलब लोग भी देखते हैं कि कितने अच्छे से ही अपना घर रखते हैं। तो बस मैं बेडशीट को चेंज कर रही थी और मैंने ना ये वाली बेडशीट निकाल ली। मम्मी तो मना कर रही थी कि नहीं ये नहीं बिछा रहे, मैंने कहा नहीं मैं बिछाऊंगी, क्योंकि अच्छी लग रही थी मुझको ये वाली बेडशीट। तो ये मैंने बिछाने के लिए निकाल ली। और ये बेडशीट जो है इतनी बड़ी है, किंग साइज़ बेड की है आप ये समझ लीजिए। और इसके ना कुशन कवर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और कलर कॉम्बिनेशन तो अच्छा ही है। क्रीम और उस पर मैरून कलर का ये जो ट्री बन रहा है ना, ये सच में औसम लग रहा था। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लग रही है। ये देखो ये इसका लुक है पूरा कंप्लीट। और बात करूँ मैं इसके पिलो कवर की, तो पिलो कवर भी जैसी बेडशीट वैसा पिलो कवर बिल्कुल ब्यूटीफुल है। और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, इसमें चेन लग रही है, चेन भी बहुत ही फाइन तरीके से लगी हुई है, सिलाइयाँ भी जो है मजबूत सी हैं। अदरवाइज़ क्या होता है पिलो कवर की ना सिलाइयाँ उधड़ जाती है, बट इसमें चेन भी है और सिलाइयाँ भी पक्की है। तो ये देखो दोनों तकिया राखी ने लगा दी है, बीच में एक पिलो लगा दिया है रेड कलर का मैचिंग, और साथ ही साथ उसने ये वाला ब्लैंकेट भी निकाल लिया जो कि बिल्कुल मैच कर रहा था, अच्छा लग रहा था। मतलब जैसे वो घर में करती है ना राखी, मेरे बिल्कुल मेरा घर जैसे डेकोरेट करती है, वैसे ही मम्मी के घर में आके भी थोड़ा सी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही थी जो कि मम्मी को भी बहुत अच्छी लगी। और इसने जो हमारा कंबल है उसको कुछ इस तरीके से लगा दिया, देखो ये रेड मैरून मिक्स है कलर, और काफ़ी अच्छा ब्लैंकेट है। थोड़ा सा इस पर इस तरीके से कट वर्क का डिज़ाइन बना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये देखो फाइनल लुक बेड का कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसको मैंने ना कमर दर्द की वजह से वो ढूंढने को बोला, ये देखो ये ढूंढने को बोला, तो इसने ये निकाला। ये पता ही है ना आप लोगों को क्या है, ये है सिकाई की जो बॉटल होती है ना, हॉट वार्मिंग बैग बोलते हैं इसको, वो है। मेरी कमर में दर्द रहता है आप लोगों को पता ही है, तो बस मेरी कमर में दर्द जो है अभी ये आने वाली सर्दियों में बहुत रहने वाला है, तो अभी भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और सिकाई करते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे रजाई में, तब तक इसको यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद घर चलते हैं अपने। मैं आपको दिखाती हूँ अपना कार्डिगन, घर आ चुकी हूँ मैं। अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी कल के लिए अपने और दीयू के, फिर ना सुबह सुबह थोड़ी सी भाग दौड़ रहती है, काम करके भी जाऊँगी क्योंकि मेरे घर भी कोई भी आ सकता है, तो थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए घर। तो ये जो कार्डिगन है ना बड़ा प्यारा सा है, बहुत पतला सा फैब्रिक है और थोड़ा शिमरी शिमरी सा है, तो और भी अच्छा लग रहा है। वी शेप का इसका नेक है, बटन भी बहुत प्यारे से हैं पर्ल्स वाले, और ऐसे ही मेरे पास मैरून है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। आप इसको पहनो
एक तो आप स्लिम से दिखोगे, और वैसे भी ये वाले कार्डिगन गर्म ही होते हैं, ये पहले चलते थे पतले पतले से, और मुझे जब भी मिल जाता है ना ये, मैं लेती ज़रूर हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी शॉपिंग ज़रूर बताना। लिंक मैंने ना चारों चीज़ों का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। चलो अब बनाते हैं सब्जी रात के लिए। तो गैस पे मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई जो है गर्म होते ही मैंने उसमें डाल दिया था ऑयल, ऑयल मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ आपको पता है, तो थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। देन उसके बाद इसको पका लेंगे, कच्चा तेल अच्छा नहीं लगता सरसों का, और इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज ना दो छोटी छोटी सी मीडियम साइज़ की थी वो मैंने डाल दी है, और सब्जी कौन सी बना रही हूँ ये आगे आपको पता चल जाएगा। अब भी इस टाइम ना रात के बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया मुझे खाना बनाने में, बट मम्मी के घर थी, काम वाम निपटा के आए हैं तो थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं। सुबह सब्जी मैं धो के गई थी, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ मैं, बता देती हूँ आप लोगों को, इतना सस्पेंस नहीं रखना चाहिए, आगे देखनी है आपको। तो भिंडी की सब्जी मैं सुबेरे धो के गई थी, पानी अच्छे से निकल गया था, अभी आगे काटी है। दो जनों की सब्जी होती कितनी है, एक पाव भिंडी, और जल्दी से कट गई, और प्याज भी फटाफट मैंने खड़े खड़े जब तक कढ़ाई गर्म हुई, तेल गर्म हुआ, काट लिए थे। तो ये इंस्टेंट वाला काम हो रहा है, आटा जो है गूंदूंगी अभी साथ के साथ, जब तक सब्जी पकेगी तब तक आटा भी गूंद लूँगी। तो भिंडी डाल दी है प्याज के साथ, हल्की फुल्की सी फ्राई कर ली है। देन उसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाले, मुझे टमाटर डाल के भिंडी बहुत पसंद है, और अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, वो ही बेसिक मसाले डालेंगे इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डलेगा, और धनिया पाउडर डालूंगी। मिर्ची मैंने दोबारा से ऐड करी है क्योंकि कभी कभी अच्छी लगती है थोड़ी स्पाइसी सी चीज़ें, और प्याज है भिंडी है थोड़ा मीठा मीठा होता है तो थोड़ा स्पाइसी भी होना चाहिए। तो धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है, हल्की सी हल्दी डाल रही हूँ, चेंज हो जाता है ना कलर, वो अच्छा लगता है, और हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए सर्दियों में हर सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाली, हल्की सी खटाई डाली है, खटाई बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि टमाटर ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, और इसको सबको अच्छे से चला दूँगी, मसाले मिक्स हो जाए सब्जी के साथ, और क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, थोड़ी देर इस तरीके से चलाते चलाते जो है इसको पकाऊंगी। देन उसके बाद हमेशा की तरह सारी सब्जियों को जैसे मैं ढक के पकाती हूँ वैसे ही पकाऊंगी, क्योंकि ढक के पकाने से क्या होता है कि गैस की बचत होती है, सब्जी हमारी जल्दी से पक जाती है। तो अब क्या करेंगे, अब इसे ढक देते हैं, अच्छे से चला दिया है मैंने, और ढकने के बाद इसको 4 से 5 मिनट ऐसे पकने देंगे, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ और थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो धो लेती हूँ। तो यहाँ देखो मैं अपनी सब्जी चेक कर रही हूँ, तो ढक्कन खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बट कोई नहीं। तो ये देखो ये फर्स्ट बार मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो हल्की फुल्की सी कसर जो है मुझे लग रही थी क्योंकि खड़ी खड़ी से दिख रही है भिंडी, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा और सॉफ्ट करेंगे इसको। तो चलिए इसको एक बार फिर से जो है ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। देन उसके बाद हम अपनी सब्जी जो है नेक्स्ट बार चेक करेंगे तो साथ के साथ गैस भी जो है बंद कर देंगे। तो ये देखो मैं आपको अपनी सब्जी दिखा रही हूँ, मेरी जो सब्जी है वो बनकर तैयार है। ये देखो टेस्टी सी भिंडी की सब्जी, बिना सीजन के सब्जी बन रही है तो टेस्टी तो लगेगी। जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखो हमारी भिंडी काली काली सी कुरकुरी सी हो गई है, यही मुझे अच्छी लगती है। दूसरी तरफ दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है, और दूध उबलने के लिए रख दिया है, आटा मेरा गूंद चुका है और अच्छे से रेस्ट भी मिल चुका है आटे का। तो रोटियाँ बनानी है, रोटी बनाते हैं और सुबह मिलते हैं। ये जो क्लिप है ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, मम्मी से मेहंदी लगवा रही हूँ, लगवानी तो मुझे उसी दिन थी जिस दिन मैंने आपको ये सब दिखाया, मतलब जिस दिन बेडशीट वगैरह बिछाई, लेकिन मम्मी ने कहा रात भर भीगी रहने दे लोहे की कढ़ाई में तो अच्छा सा रंग आ जाएगा बालों में। तो एक दिन पहले जो है भिगो दी रात को, और अब सुबह जो है हम लगा रहे हैं, और आज मेहंदी लगा रहे हैं ना, आप धूप देख सकते हैं वो कैसे नज़ारे दिखा रही है। और यहाँ पर अंदर जो है मम्मी और राखी बिस्तर निकाल रहे हैं क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और बिस्तर निकालने बहुत ज़रूरी हैं, उससे पहले बिस्तर निकाल के धूप लगानी भी बहुत ज़रूरी है। तो धूप कम है लेकिन लगवानी तो है ही, ऐसे एकदम से निकाल के बिस्तर यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं। तो बस बिस्तर निकल रहा है और मम्मी कुछ कह रही थी, तो यहाँ पर सारी रजाइयाँ जितनी भी 7, 8, 9, 10 जितनी भी रजाइयाँ थी सब निकाल ली, थोड़ी सी पीछे हैं थोड़ी सी आगे हैं, और साथ ही साथ रजाई के कवर भी निकाल लिए हैं, इनको भी हल्की फुल्की सी धूप निकल जाएगी। ये वाले कवर जो हैं ये क्या कहते हैं गरम है, गरम वाले और प्रिंटेड वाले बहुत अच्छे लगते हैं, पहले वाइट वाले जो थे वो
ओढ़ते मतलब चढ़ाते थे हम, वो भी अच्छे लगते थे मुझे। वाइट वाइट सब बिस्तर बहुत अच्छा लगता था, साफ़ सुथरा सा। और यहाँ पर जो है हम कल के लिए मटर छील के रख रहे हैं, ये हलवाई ने जो मटर मंगवाई थी ना वो है, तो आज ही छील के रख रहे हैं। और ये देखो रात हो गई काम करते करते, कौन आ गया है देख के समझ गए होंगे, तो नेहा आ चुकी है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, नेहा आ गई नेहा आ गई, नेहा आने वाली है नेहा आने वाली है, मैं कर रही हूँ तो भैया आने वाली है और आ ही गई है। और मेरी बहन है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ, चाहे वो हफ्ते में आ रही हो चाहे दो हफ्ते में आ रही हो। मेरे पापा तो बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे, वो तो वेट करते थे, फ़ोन करके पूछते थे कब आ रही है कब आ रही है कब आ रही है। तो फाइनली नेहा जो है आ चुकी है, ये देखो। तो गाड़ी में से अपना सामान निकाल के सेट कर रही है, और दीव बड़ी खुश हो गई है, उसकी मौसी आ रही है। और काफ़ी ना लेट हो गया इनको आने में, ट्रैफिक में फंसे पड़े थे ये लोग, तो काफ़ी लेट हो गया है। और यहाँ पर जो है सोना नेहा को आते ही तंग करने लग गई, आते ही इतना हुड़दंग मचाया इन दोनों ने, बहुत ही ज़्यादा, बस भाग दौड़ पूरे घर में भाग दौड़। तो यहाँ पर जीजा जी भी है, आप दोनों को देख लो। फाइनली मेरी बहन आ चुकी है, जिसको प्रॉब्लम है वो करे प्रॉब्लम, मेरे को बहुत खुशी होती है और मुझे पता चल जाता है ना वो आने वाली है, एक्साइटेड हो जाते हैं हम। तो यहाँ पर ये देखो सोना और दिया की शैतानी शुरू हो गई। ये स्टूल राखी ने इनके आते ही छुपा दिया था, ये वहीं से अंदर से निकाल के ले आए हैं और जम करनी स्टार्ट कर देंगे। तो चलो हम बैठते हैं थोड़ी देर, बातें बातें करते हैं, पानी वानी पिला दें, चाय वाय पिला दें, फिर उसके बाद जो है बात करते हैं आपसे। फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है और मेरे बालों में मेहंदी लग गई है। आपको बालों का रंग थोड़ा ब्राउनिश सा दिख रहा होगा क्योंकि हो चुका है मेहंदी लगने के बाद। अभी धूप में जाऊंगी या फिर काफ़ी ज़्यादा रोशनी में जाऊंगी ना तो अच्छे से दिखेगा कलर। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, हमको उठने में 7 बज गए क्योंकि मम्मी के यहाँ से बहुत ज़्यादा लेट आई थी, नेहा आ गई थी, फिर नेहा के बाद जो है मामा जी आए थे, उनके बच्चे वगैरह सब लोग आ गए थे, तो थोड़ा सा लेट हो गया घर आने में। और उसके बाद फिर इसको सुलाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया। और अभी सुबह उठ के मैं बताऊँ मुझे क्या काम करने, पूरा घर सेट करना है अच्छे से, जो ये डबल बेड हम बिठा के रखते हैं इसको उठा के रखना है, बाथरूम जो है आज धुलेगा, बाथरूम धुलेगा तो सिर भी धुलेगा, सिर मैं परसों भी धोई थी और कल भी धोई थी मेहंदी की वजह से, और आज तीसरा दिन लगातार है। तो कोई बात नहीं, तो करते हैं काम, लग जाते हैं। मैं एक टारगेट बना के चलती हूँ कि इतने घंटे में हमें काम करना है, तो आधे घंटे की मैंने टाइमिंग दी है, 5 मिनट में बाथरूम साफ करूँगी, हार्पिक वगैरह डाल चुकी हूँ, वॉश बेसिन भी साफ कर चुकी हूँ और हार्पिक डाल के आ गई हूँ, तो 5 मिनट बाथरूम साफ करूँगी, 5 मिनट में नहाऊँगी, हेयर वॉश करूँगी और उसके बाद 20 मिनट जो है सफाई के लिए लगेंगे। किचन साफ़ है क्योंकि रात को खाना नहीं बना, किचन बिल्कुल साफ़ है, तो झाड़ू पोछा हम दोनों मिलके कर लेंगे राखी और मैं, और इसको नहलाना टास्क है, तो वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हमने, इसको नहलाते हैं। राखी जो है नहा चुकी है, नहा के जो है वो बिस्तर में बैठ चुकी है, बिस्तर भी उठाना है यार, तो बहुत सारे काम करने हैं आज, और ये काम ना खुशी खुशी नहीं करने वाले हैं, लेकिन मेहमान जब आते हैं ना और जिम्मेदारी भी साथ में होती है, उसको पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है, पता है ना आप लोगों को। लड़कियां जो हैं बहुत सोचती हैं कि ऐसे कर लें वैसे कर लें ऐसे कर लें वैसे कर लें, तो बस मैं भी यही सोचती हूँ। और मैं सूट निकाल चुकी हूँ, सूट पहनूंगी नॉर्मल सा, पहले मैं सोच रही हूँ गर्म कुर्ता पहन लूँ, फिर मैं सोच रही हूँ प्रॉपर सूट पहन लूँ। धूप जो है अच्छी खासी निकल चुकी है, लग रहा था कल की धूप नहीं निकलेगी बट धूप अच्छे से निकल चुकी है। राखी तो रेडी हो जा, राखी रेडी होगी, दियो चलो हेलो, चलो 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 चलो। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ वो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। किसी ने मुझे टोका था, मैं नोटिफिकेशन बोल दी थी, तो जब किसी ने थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश की है तो मैं भी जो है बोलने में करेक्ट करूँ थोड़ा सा उस वर्ड को, तो नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और अपना ध्यान रखना, बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखना और बड़ों का भी खास तौर पर ध्यान रखना, और धूप निकले तो धूप में बैठो इन्जॉय करो, धूप में बैठ के सारे काम निपटा लो, घर में मत रहो। जो घर में रहते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, मेरी तरह घर में रहना पसंद है, मैं भी धूप में बैठना पसंद नहीं करती लेकिन अब बैठती हूँ, अच्छा लगता है, बच्चे को भी धूप लगती है, हमारे संग संग बच्चा भी जो है बैठता है तो थोड़ी सी ठंडक
कम हो जाती है। ये देखो ये शौक है उठा अभी, ये भूल गई थी कि मौसी आई है, मामा आए हैं, मामी आई हुई है घर पे, भूल गई थी है ना। वो भी आ गए, मौसा जी भी आ गए। थैंक यू मौसा जी। ओ बेटे आपको देख के चले गए, आप सो रही थी। सुबह सुबह शैंकी भी आके चला गया, मनीष जी आज भी आके चले गए, अरुण जी अजी भी आके चले गए, और हम अभी तक बैठे हैं बिस्तर में। शैंकी की बाइक यहीं खड़ी थी ना, तो बस वो लेकर गया, स्कूटी भी लेकर गया है। हम चल रहे हैं तैयार व्यार होके, और वहीं जाके मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।